वेलकम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एफपीएससी लेक्चर केमिस्ट्री फीमेल का पेपर जो 12 अगस्त को कंडक्ट हुआ। आज हम केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट अच्छा सा डिस्कस करेंगे। और एक बात याद रखिएगा, आई हैव कलेक्टेड डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, तो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट में, ऑप्शंस में एम्बिग्यूटी हो सकती है, तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय भी दे सकते हैं, वहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं अगर किसी स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है या कोई आप इसमें ऐड करना चाहें कोई ऑप्शन, तो आप कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो आज की जो डिस्कशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच गैस डिफ्यूज मोर रैपिडली? देखें, ये ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन आपने पढ़ा होगा और वो कहता है कि रेट ऑफ जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होती है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर। ठीक है, जिस गैस का मॉलिक्यूलर वेट जो है, मॉलिक्यूलर मास लेस होगा, वो और ज़्यादा यानी कि जल्दी डिफ्यूज करती है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ग्रेटर होता है। तो यहाँ सिंपल आपने मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे डिसाइड करना है। तो जो मीथेन है इसका 16 होता है मॉलिक्यूलर मास, ऑक्सीजन का 32 है और NO2 का आई थिंक ये 46 है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए है, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है दैट इज दी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इन द अमोनियम क्लोराइड। अगर हम अमोनियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर ड्रा करें तो कुछ इस तरह स्ट्रक्चर होती है। इसमें 3 जो है जो बॉन्ड होते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ, ये प्योरली कोवलेंट होते हैं। उनमें से एक जो होता है वो कोऑर्डिनेट होता है, इस तरह कम्प्लेक्स बनता है, और साथ में ये क्लोराइड आयन होता है। तो यहाँ पे अमोनियम आयन NH4+ और क्लोराइड के बीच में जो बॉन्ड होता है दिस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड होता है। ये वाला जो बॉन्ड एक होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है, और यहाँ पे 3 जो है ये प्योर यानी कि कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी लाइन्स इन द स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम? तो सोडियम में डबलेट लाइन आती है येलो कलर्स की। तो एक तो प्योरली अगर हम कहें कि 589 पे आती है, किस पे आती है? 589 पे, और उसमें साथ एक जो आती है वो 589.6 जो है नैनोमीटर पे आती है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 2 जो है वो लाइन्स हमें मिलती हैं। हाइब्रिडाइजेशन इन N2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे एक्चुअल में नाइट्रोजन की ही हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाती है सेंट्रल एटम में। तो हर नाइट्रोजन की अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो नाइट्रोजन जो है एक दूसरे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपली बॉन्डेड है। तो ये भी SP हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन है, ये भी SP हाइब्रिडाइज है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। इन द निकल कैडमियम बैटरी ऑक्सीडेशन अकर्स, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, एक निकल है एक कैडमियम है। तो बहुत ही ईजी है कि किस पे ऑक्सीडेशन होगी, यू हैव टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हमने देखा कि जो एलिमेंट अपर होता है यानी कि ऊपर होता है वहाँ पे प्रेफरली ऑक्सीडेशन होती है, वो एक्ट करता है एज अ एनोड। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, मैंने शॉर्ट ट्रिक भी अपने लेक्चर में बताया हुआ है यूट्यूब के चैनल पर, वो पब्लिक है लेक्चर्स, जिसमें हमने कहा कि ली काके ने मज आलूज में बिल्कुल मैंने तरतीब बताई हुई है, और लॉट ऑफ क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो उस केस में देखें तो कैडमियम जो है वो टॉप पे है, कैडमियम ऊपर है और फिर जो है वो निकल जो है वो नीचे है। तो प्रेफरली कैडमियम की ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, सम न्यूक्लियर कंपोजिशंस डिके बाय इमिटिंग। मैं समझता हूँ कि दिस इज द एम्बिगुअस स्टेटमेंट। डिफरेंट सोर्सेज से मैंने ये कंफर्म भी किया तो स्टूडेंट ने कहा कि सर एज इट ये स्टेटमेंट थी। तो आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग या स्टेटमेंट में चेंज आना चाहिए थोड़ा बहुत, या फिर ऑप्शंस में चेंज आना चाहिए। तो न्यूक्लियर जो कंपोजिशंस डिके होता है वो तो अल्फा भी होता है, बीटा भी होता है, गैमा भी होता है, ऑल 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन डिके होती हैं। तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें तो दिस इज एम्बिगुअस स्टेटमेंट। तो आज के पेपर में कोई 3 से 4 स्टेटमेंट्स FPSC की तरफ से बिल्कुल एम्बिगुअस स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें आई थिंक उसको चेंज करना चाहिए था। तो आगे भी जाके देखेंगे कौन कौन सी स्टेटमेंट है ऐसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड बाय द एक्वस NOH। जब एक्वस NOH की बात आती है तो यहाँ पे आयंस बनते हैं हाइड्रोक्सल आयन। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है और ये न्यूक्लियोफाइल जाके क्या करता है, सब्सटीट्यूट करता है अल्काइल हैलाइड में से हैलोजन को। तो दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, सी ऑप्शन करेक्ट है। इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस PCl5 मोस्टली यूज्ड। वैसे तो इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं लेकिन इसका जो मेजर फंक्शन आपने देखा होगा, पढ़ रखा भी होगा,
कि जब अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में, तो जब हम क्या करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्कोहल्स करते हैं, तो ये जन बेसिकली हमें देता है, ये हमें क्लोराइड आयन देता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, और वो जाके सब्स्टिट्यूट करता है, रिप्लेस करता है किसको, ओ एच आयन को। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करता है, ईजीली रिप्लेस ओ एच ऑफ द अल्कोहल्स। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है द इफेक्ट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑन डिल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन हम कई दफ़ा अपने एग्जाम में भी डिस्कस कर चुके हैं, अपने ऑनलाइन सेशंस में भी, और जो आपको एक कंप्लीट सीरीज हमने अपलोड की यूट्यूब पर उसके ऊपर ये पढ़ा हुआ है क्वेश्चन। देखें जब डाइल्यूशन होती है इन केस ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, एक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है, एक मोलर कंडक्टेंस होती है, एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है। तो इन केस ऑफ मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, चाहे वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होगा या वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, जब हम इसकी डिल्यूशन करते हैं तो उस केस में इसकी जो कंडक्टेंस होती है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज करती है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो इंक्रीज करती है उस, क्यों, क्योंकि जो डाइल्यूशन है दिस इज बेसिकली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और ये डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये फार्मूला हमने पढ़ रखा है। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट सेम यहाँ इस केस में, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या करती है, इंक्रीज करती है, मोलर कंडक्टेंस भी इंक्रीज करती है। जबकि अगर हम बात करें इन केस ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो वो ऑन डिल्यूशन डिक्रीज करती है, तो ये ट्रेंड आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है विच इंफॉर्मेशन इन्फर्ड फ्रॉम द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सी इन्फॉर्मेशन स्कैटरिंग ऑफ लाइट से मिलती है, तो जनरली हम उसका मॉलिक्यूलर वेट, उस सब्सटेंस का साइज आप जनरली डिटरमिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सूटेबल आंसर है वो बी है, इससे ज़्यादा जो सूटेबल होना चाहिए था वो मॉलिक्यूलर साइज था, ठीक है, साइज डायमीटर। तो बहरहाल इसके साथ ये रिजेंबल करता है, तो मॉलिक्यूलर वेट आपका सूटेबल आंसर हो सकता है। द सम ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ फॉर केटाइंस एंड इनाइंस, तो इस केस में जितने भी आयंस होते हैं उनका जो सम होता है ये किसके इक्वल होता है, ये हिटरोफ्स रूल भी आई थिंक आपने पढ़ा होगा, तो ये इक्वल टू वन होता है, यूनिटी के इक्वल होता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीज था, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी इज रेजिस्टेंट टू कुरियन, यहाँ पे जो सूटेबल आंसर है वो बी है, जो ज़्यादा सूटेबल है। यहाँ ग्रेफाइट एक्ट करता है एज अ इनर्ट, कुछ केसेस में ये एज अ इनर्ट काम करता है और ये इसकी रेजिस्टेंस नहीं होती, सॉरी कुरियन नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे जो मोर फेमस आप कह लें क्वेश्चन यहाँ पे है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या करती है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है, क्या बनाती है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है और फर्दर जो है ये कुरियन से आपको बचाती है, कुरियन से डिफरेंट मेटल्स को बचाती है। तो यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल आंसर जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, Al2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है The electrophilic substitution reaction of benzene is initiated by, तो इसमें जो intermediate substance बनती है वो basically sigma complex बनता है, ये हम already discuss भी कर चुके हैं अपने lectures notes में, ये सारी चीज़ें हम students को पढ़ा चुके हैं। The order of reaction for the first law of equation, यहाँ पे रेट लॉ इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो भाई पावर्स को प्लस कर दो, 4/5 प्लस 1/5 LCM लेंगे 5, तो ये 4+1 तो 5/5 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1 होगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी नीडेड टू लेफ्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन, तो यहाँ पे इसको एक तो शेल भी मेंशन करना चाहिए था, तो बहरहाल नहीं किया तो कोई बात नहीं है, फर्स्ट शेल की बात हो रही होगी। तो एनर्जी नीडेड टू लेफ्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन वो हमने पढ़ रखी है कि एनर्जी की वैल्यू होती है -13.31 किलो जॉल पर मोल, नोट करें ये यूनिट है, नॉट द जॉल पर मोल। चलें साइन का हम जनरली नहीं कहते कि कोई इशू नहीं है इतना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जॉल पर मोल में यूनिट गिवन है, तो दीज आर द इनकरेक्ट, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए थी ये वाली, किलो जॉल पर मोल में, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो डी बनेगा, नॉन ऑफ दीज। अगर यहाँ पे करेक्ट किया है FPSC की ने ए ऑप्शन, तो ये बिल्कुल उसकी मिस्टेक है। तो इस तरह की एम्बिग्युटी, इस तरह की जो है वो पहले भी FPSC की में बहुत सारी मिस्टेक्स हो चुकी हैं। बॉम्ब कैलोरीमीटर ऑपरेट्स एट, बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे वर्क करता है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, डी, नन ऑफ दीज, 16 का नन ऑफ दीज। 17, व्हाट इज द pH ऑफ सॉल्यूशन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन 10 है, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, तो
तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, तो भाई नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन एंड टेन लॉग टेन वन वैल्यू होते तो माइनस वन आनी चाहिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट सोचेंगे कि माइनस वन तो पॉसिबल नहीं है। यस पॉसिबल है, जब बहुत ज़्यादा हाईली आप कह लें कि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है या सुपर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है तो उस केस में नेगेटिव भी चली जाती है, लेकिन ये जनरली जो स्केल पढ़ते हैं ये नॉर्मल कंडीशन पे जीरो से लेकर 14 तक पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो सूटेबल आंसर होना चाहिए वो डी है, नन ऑफ दिस। अगर एफ पी एस सी ने वन लगाया की में तो आई थिंक वहाँ पे भी मिस्टेक है। 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, तो यहाँ पे जो सूटेबल आंसर है सिलिका आना चाहिए, बिकॉज सिलिका इज द 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर है। ये क्या है, जो 3D स्ट्रक्चर होती है दिस इज कॉल्ड नेटवर्क स्ट्रक्चर, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो यहाँ पे जो है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है सिलिका। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रॉपी इज मेजर्ड इन विच यूनिट, तो इंट्रॉपी का फार्मूला होता है डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू ओवर एन डेल टी। दिस इज द फार्मूला, क्यू इज दी, इसको अगर हम के देखें तो जॉल में भी होता है, जॉल पर एन इज दी मोल कैलवन, जॉल पर मोल कैलवन। इसी तरह जॉल के साथ आप कैलरी भी यूज़ कर सकते हैं, आप यूनिट अर्ग भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे यूनिट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो सी, बोथ सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन द पॉलीमराइजेशन विच शुड बी करेक्ट इन केस ऑफ पॉलीमराइजेशन, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो है एम डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल या एम एन। अच्छा, यहाँ पे एम डब्ल्यू जो है ये चीज़ें हम स्टूडेंट्स को अपने लेक्चर्स में सिंथेटिक पॉलीमर्स में ये चीज़ें पढ़ा चुके हैं कंप्लीट, कि आपने किस तरह ये कैलकुलेशंस करनी होती हैं या फार्मूलाज। तो यहाँ पे देखें जो एम डब्ल्यू है दिस इज कॉल्ड वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। एम डब्ल्यू जो है ये है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इसको कहते हैं, और जो एम एन है बेसिकली दिस इज द नंबर ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। जो मॉलिक्यूलर वेट होता है जब आपके पास हाईली ग्रेटर स्ट्रक्चर होती है तो उस केस में आपको लार्जर मॉलिक्यूल्स में आपका मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर हो जाता है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ एवरेज स्ट्रक्चर से, नंबर ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर वेट से। तो यहाँ पर जो सूटेबल आंसर है वो सी है, सी पोली डिस्पर्सिटी के केस में आप कह लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, 20% वेट बाई परसेंट सोल्यूशन है, तो भाई 20% वेट है तो इसको मतलब है 20 ग्राम इन 100 ml होना चाहिए था, तो कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट, बहुत फेमस MCQ है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल जो है एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट यूज होती है। नाइलॉन थ्रेड्स, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, नाइलॉन आपको पता है नाइलॉन 6,6 ये बेसिकली पॉलीइमाइड है, नाइलॉन जो है दिस इज द पॉलीइमाइड, बी ऑप्शन करेक्ट है। 24 है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जिसमें पाथ फंक्शन होता है, सबसे पहले रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट के बाद एक्टिवेटेड कंप्लेक्स बनता है और देन जाके प्रोडक्ट बनता है, तो क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बी बनेगा। 25, विच कैन नॉट बी द रिएक्टेंट ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, में से कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन नहीं है, देखें हेक्सामिथाइलिन डायमीन एडिपिक एसिड नाइलॉन 6,6 देता है, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और ग्लाइकोल ये आप देखें तो ये भी जनरली जाके पॉलीमर डेक्रॉन पॉलीमर जाके बनाता है, तो ये भी क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर की एग्जांपल है। जबकि यहाँ पे देखें तो एथानोल और प्रोपानोइक एसिड इवन के यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं लेकिन ये जाके लिमिटेड स्ट्रक्चर बना देता है, एस्टर बनाता है, यहाँ पे पॉलीमर नहीं बनता, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, द इक्विलेटरल शेप, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पूछा गया है इक्विलेटरल शेप किस हाइब्रिडाइजेशन में होता है, तो ये sp2 में होता है। ये जो वर्ड है इक्विलेटरल, ये मतलब इसका मतलब है कि ऑल दी साइड्स आर इक्वल, इक्विलेटरल का मतलब है ऑल दी साइड्स आर इक्वल। तो इस केस में अगर हम देखें तो दिस इज द ट्राई एंगुलर प्लेनर, इस तरह की जो शेप होती है इसमें तीनों जो साइड्स होती हैं इक्वल होती हैं उस बेस पे, क्योंकि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है ट्रायंगुलर प्लेनर की, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं इक्विलेटरल शेप इसको कहा जाता है, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन है, sp2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोस्ट्रक्चरल पेयर, यहाँ पे देखें तो आइसोस्ट्रक्चरल पेयर अगर तो यहाँ पे वो
यहाँ पे आई एफ टू के ऊपर नेगेटिव चार्ज दे देता तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता और यही आइसोस्ट्रक्चरल होता, क्योंकि इसकी एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन होती और इन दोनों केसेस में देखें तो लीनियर शेप बन जाती। लेकिन यहाँ उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं गया तो यहाँ पे भी इसको आई थिंक नेगेटिव चार्ज देना चाहिए था, ये भी मिस्टेक है, पहली बात तो ये है, ठीक है। और उसके साथ साथ देखें तो एन एच थ्री और बी एच थ्री जो है ये आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, ठीक है। एन एच थ्री की एस पी थ्री होती है, बी एच थ्री की एस पी टू होती है, एक टेट्राहेड्रल है, एक की ज्योमेट्री जो है वो ट्रायंगुलर प्लेनर है, तो ये भी आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है। तो ये पॉसिबल हो सकता है, सी ऑप्शन यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि इन दोनों के केस में देखें तो इनकी एस पी हाइब्रिडाइजेशन है, और अगर हम क्योंकि एस आई टू सिलिका की सिंगल यूनिट सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे सिलिका नहीं है, सिलिका इज नेटवर्क स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे एस आई ओ टू जो है सिंगल यूनिट की बात करें तो इस केस में इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, लीनियर जाके बनती है। तो ये दोनों ऐसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल आंसर जो है वो सी है। 28 इन अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन मॉलिक्यूल, ऑक्टाहेड्रॉन जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, एम एक्स सिक्स की बात की है, यानी कि सेंट्रल एटम एम है, ये है जी एक्स, ये भी एक्स है, यहाँ पे देखें तो इस तरह की स्ट्रक्चर हमने पढ़ रखी है, एक्स 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 एक्स। वो कहते हैं एक्स एम एक्स बॉन्ड जिसमें 180 यानी कि 180 डिग्री कि एक्स एम एक्स यानी कि ये कॉम्बिनेशन हो तो ये कितने बॉन्ड हो सकते हैं, ये तीन है। कैसे तीन है, यहाँ पे देखें तो एक तो ये वाला है, ये वाला 180 का डिग्री, इसी तरह यहाँ पे देखें तो एक ये है एक ये है, तो ये बिल्कुल ये वाला, तो ये भी क्या है 180 डिग्री है, इसी तरह ये वाला और ये वाला देखें तो ये भी क्या है 180 डिग्री है, तो टोटल थ्री जो हैं 180 हैं, और अगर हम इस और इसको देखें तो ये बेसिकली 90 डिग्री पे आ जाते हैं, तो 690 डिग्री एंगल होते हैं, तो क्योंकि ये कॉम्बिनेशन 180 के केस में पूछा गया तो ये थ्री होंगे पेयर्स, ए ऑप्शन करेक्ट है। पॉलीमर्स फॉर्मिंग डी एल कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम स्टूडेंट्स को सिंथेटिक केमिस्ट्री के लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, ये तीनों टर्म्स पढ़ा चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस नोट कर लें इसको। अच्छा, इस केस में जो करेक्ट ऑप्शन है डी एल कन्वेंशन का मतलब है कि यहाँ पे जो पॉलीमर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कायरल मालिक्यूल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कायरल मालिक्यूल, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सैंडियोटैक्टिक, क्योंकि सैंडियोटैक्टिक स्ट्रक्चर चले हम बना लेते हैं कि इस तरह की स्ट्रक्चर होती है और इसमें जो ग्रुप्स लगे होते हैं उसमें क्या होता है कि अल्टरनेट पैटर्न यहाँ पे होता है, रेगुलर अल्टरनेट पैटर्न, कौन सा पैटर्न होता है, रेगुलर अल्टरनेट पैटर्न होता है जो ग्रुप्स लगे होते हैं ऐसे, फॉर एग्जांपल अगर एक वेज डैश में है, वेज में है तो दूसरा डैश में होगा, इसी तरह फिर अगला जो है इसमें ये वेज होगा फिर डैश होगा, फिर वेज होगा उसके बाद क्या होगा ये डैश होगा, तो ये जो इसकी रेगुलर अल्टरनेट पैटर्न है ये बेसिकली मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूल को कैरल बना देता है, क्या बना देता है, कैरल बना देता है, जिसकी वजह से इसकी डिफरेंट इनेंशियोमेरिक फॉर्म्स क्रिएट हो जाती हैं, टू इनेंशियोमेरिक फॉर्म, एक डी फॉर्म एक को एल फॉर्म कहते हैं, तो इन केस ऑफ सैंडियोटैक्टिक जो है वो डी एल कन्वेंशन मौजूद होती है, ये नोट कर लें, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है अल्टरनेट पाथ की वजह से। क्वेश्चन नंबर 30 है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट कौन सा होता है, ये हम पंजाब टेक्स्ट बुक में भी पढ़ चुके हैं, स्टूडेंट्स को बार बार ये मैं एमसीक्यू भी दे चुका हूँ डिफरेंट टेस्ट के अंदर, कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है टाइटेनियम क्लोराइड TiCl4 प्लस एल्यूमिनियम C2H5 थ्राइस, तो ये जो कॉम्बिनेशन है दिस इज कॉल्ड जिगलर नाटा कैटलिस्ट, और ये कैटलिस्ट है दिस इज द सॉलिड, किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और ये जनरली कहाँ पे यूज़ करते हैं, वैसे तो इसके डिफरेंट पर्पस हैं, डिफरेंट रिएक्शन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, किसकी, इथीन की पॉलीमराइजेशन में ये जनरली यूज़ करते हैं, और इथीन जो है ये गैशियस फॉर्म में होती है और ये सॉलिड फॉर्म में होता है, तो दोनों के रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की नेचर जो है फेज चेंज है, तो इसको इसलिए हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट की जो नेचर है वो डिपेंड करती है रिएक्शन के ऊपर, होमोजीनियस भी हो सकता है हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली अगर हम देखें तो हेट्रोजीनियस नेचर है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी बनेगा, तो सूटेबल आंसर यहाँ पे सी ही हम इसको करेक्ट करेंगे।
अब एफपीएससी कौन सी की सिलेक्ट करता है, नन करता है या हेट्रोजीनियस करता है, वो उसकी अपनी मर्जी है, पर कॉन्सेप्ट आप माइंड में रख लें। क्वेश्चन नंबर 31 है, द डाइअजोनियम साल्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर, किस ईयर में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। ये 1858 में जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था। फर्स्ट इट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एरोमेटिक अमीन्स। क्वेश्चन नंबर 32 है, बहुत सिंपल है, इफ के बी वैल्यू ऑफ बेस इज हाई, तो भाई अगर के बी की वैल्यू, के बी इज द स्ट्रेंथ ऑफ बेस, के बी की वैल्यू है तो इसका मतलब है स्ट्रांग बेस है। कौन सी बेस है? स्ट्रांग बेस है। और आपको पता है बेस की जब कॉन्जुगेट एसिड बनाते हैं, जब स्ट्रांग बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड बनता है वो वीक होता है। क्या होता है? अगर वीक बेस होगी तो उसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रांग होगा। तो के बी की वैल्यू ग्रेटर है तो स्ट्रांग बेस है, स्ट्रांग बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा। तो इट्स कॉन्जुगेट एसिड इज वीक, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच वन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, इसमें से वर्क जो है, दिस इज द पाथ फंक्शन, हीट एंड वर्क दिस इज द पाथ फंक्शन है, जबकि जो इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज पे डिपेंड करता है फंक्शन, इट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन, और इंथाल्पी, इंट्रोपी, बाकी डिफरेंट वैल्यूज हमने पढ़ रखी हैं। 34 है, इफ टू मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स ट्वाइस इंक्रीजेज, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो मैंने ट्राई किया डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट स्टूडेंट से कलेक्ट किया, वो कहते हैं सर एज इट ये स्टेटमेंट थी, और अगर ये एज इट ये स्टेटमेंट है तो मैं कहता हूँ कि दिस इज द एम्बिगुअस स्टेटमेंट, या आप इसको कह लें कि दिस इज द इनकरेक्ट, जैसे भी है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ उसको कुछ ना कुछ मेंशन करना चाहिए था कि आपके रिएक्टेंट कितने हैं या किस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसका रेट डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल इम्परफेक्ट आप कह लें कि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, दी गई है जैसे नीचे रिएक्शन दिया गया है, तो इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर सकता। अगर आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट का पता है या ऑप्शन चेंज है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें इसको। ओके स्टूडेंट, तो ये मेरे ख्याल में दिस इज द एम्बिगुअस स्टेटमेंट है। द टर्म टैक्टिसिटी ऑफ पॉलीमर इज यूज्ड, ये जो टर्म टैक्टिसिटी है ये बेसिकली स्टीरियो केमिस्ट्री को शो करती है, स्टीरियो नेचर, स्टीरियो केमिस्ट्री, ये बकायदा तौर पे हमने अपने नोट्स और लेक्चर में ये हेडिंग दी हुई है, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ टैक्टिसिटी या स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ दीज पॉलीमर्स, जिसमें हमने तीनों को डिफाइन किया था, टैक्टिक, ए टैक्टिक, सेंडियो टैक्टिक, तो ये स्टीरियो नेचर होती है जो टैक्टिसिटी टर्म होती है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द फास्ट रिएक्शन या स्पीडी रिएक्शन के बारे में, तो रेट कॉन्स्टेंट समाल ये बिल्कुल भी नहीं है, लार्ज होना चाहिए। एनर्जी बैरियर, भाई समाल होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ग्रेटर होगा, जल्दी जल्दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनेगा, तो ये भी इनकरेक्ट है, तो यस ये करेक्ट हो सकता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। देखें जितनी हाफ लाइफ स्मॉल है तो इसका मतलब ये है कि वो जल्दी जल्दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट, लिमिटेड टाइम है, स्मॉल टाइम में वो प्रोडक्ट दे चुका है, तो इसका मतलब है वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रीजनरेट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिशन रिएक्शन, तो ये भी थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन आप कह लें, क्योंकि जनरली हम बहुत ही सिंपल इसका रिएक्शन पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है, प्रोमोथियम और रुथीनियम, ये ज़्यादा सूटेबल आंसर है, क्योंकि इस केस में देखें तो यूरेनियम 235 को न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाएं तो प्रोमोथियम आपको मिलेगा 147 वाला, उसके साथ साथ आपको रुबिडियम मिलेगा 87 में, और उसके साथ साथ आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक रेट इक्वेशन बनती है जब बम्बार्डमेंट होती है, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। द रेंडम अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स ऑन द पॉलीमेरिक चेन, स्टूडेंट कह रहे थे कि पॉलीमर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतने टफ तो नहीं है, एक ही टाइप की टर्म है और इसी से क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे देखें ये लेक्चर्स में भी, नोट्स के अंदर भी हमारे स्टूडेंट अगर सुन रहे हैं तो ये चीज़ें हम करवा चुके हैं, ए टैक्टिक, सेंडियो टैक्टिक और उसके साथ साथ टैक्टिक, टैक्टिक, ए टैक्टिक और सेंडियो टैक्टिक। तो यहाँ पे देखें तो द रेंडम अरेंजमेंट, जिसमें रेंडमली अरेंजमेंट होती है तो उसको कहते हैं ए टैक्टिक। फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रक्चर है इस तरह, यानी कि यहाँ पे वेज आ जाए, फिर वेज आ जाए, फिर यहाँ पे डैश आ जाए, फिर डैश, फिर थ्री वेज आ जाए, फिर डैश, यानी कि एक रेगुलर पैटर्न ना हो, रेंडम यानी कि इसकी कन्फिग्रेशन हो, तो दिस इज कॉल्ड ए टैक्टिक जो है इसको कन्फिग्रेशन कहते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। 39 है, इन बी आर एफ थ्री लॉन पेयर अरेंजमेंट ऑफ इक्वेटोरियल पोजिशंस टू अवॉइड विच रिपल्शन, यानी कि वो कहता है कि आपके पास जो लॉन पेयर है इक्वेटोरियल पोजिशन पे है,
BrF3 की अगर आप शॉर्ट फार्मूला लगाएं तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बनती है sp3d, ये हाइब्रिडाइजेशन बनती है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज द सेंट्रल एटम ब्रोमीन, और यहाँ पे देखें तो जो लोन पेयर हैं इसके, इसमें थ्री बॉन्ड पेयर हैं, कौन से, सॉरी टू थ्री बॉन्ड पेयर हैं, एक टू लॉन पेयर हैं। तो इसकी जो सूटेबल पोजीशन आती है लॉन पेयर की वो इस तरह आती है, फ्लोरीन थ्री एटम यहाँ पे आते हैं और टू लॉन पेयर यहाँ पे आते हैं। तो एक्चुअल में ये जो मेजर फंक्शन है अगर यहाँ पे देखें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे भी उसको उसने बहुत एम्बिग्यूटी की है, एक ऑप्शन इसको ये भी देना चाहिए था यहाँ पे एफ पी एस सी को कि लॉन पेयर इंट्रैक्शन रिपल्शन और उसके साथ लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर की यहाँ पे रिपल्शन भी होती है, उस दोनों रीजन की वजह से यहाँ पे जो है वो ये इक्विटोरियल पोजीशन पे आते हैं। लेकिन यहाँ पे उसने ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन ये है कि यहाँ पे लॉन पेयर की जो रिपल्शन का जो फैक्टर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, तो जिसकी वजह से यहाँ पे सूटेबल आंसर हो सकता है लॉन पेयर। हो सकता है कि एफ पी एस सी ने की में इसको नन भी किया हो तो ये वो बेहतर जानता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में सूटेबल आंसर जो है लॉन पेयर इंट्रैक्शन होना चाहिए, वैसे देखा जाए तो दोनों इसमें आ जाते हैं। विच स्टेट हैज लोएस्ट डेंसिटी, तो गैसेस की जो है बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल में गैप होता है तो ये लोएस्ट होता है, प्लाज्मा के केस में समटाइम जो है इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है प्लाज्मा, ए ऑप्शन करेक्ट है गैसेस 40 का। 41 है P4O10 हैज मैनी सिग्मा बॉन्ड, तो ये क्वेश्चन हम दो बार मैं अपने टेस्ट के अंदर भी दे चुका हूँ स्टूडेंट्स को कि P4O10 के केस में सिग्मा बॉन्ड, ये आपने लिंक बनाना होता है P4O10 का, तो उस केस में सिग्मा बॉन्ड आप काउंट करें तो ये स्ट्रक्चर अगर कहें तो मैं ड्रा कर देता हूँ P4O10 P4, ये है डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, उसके बाद यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, इस तरह इस ऑक्सीजन के साथ फिर फास्फोरस का बॉन्ड, ये डबली बॉन्डेड होगा, और ये वाला जो है यहाँ पे एक और ऑक्सीजन का लिंक होगा, इस तरह यहाँ पे देखें तो एक और लिंक है ऑक्सीजन का, ये फिर फास्फोरस होता है, और यहाँ पे इस फास्फोरस का लिंक इस ऑक्सीजन के साथ होता है, ये फिर डबली बॉन्डेड और ये ऑक्सीजन, और इस तरह ये फास्फोरस डबली बॉन्डेड इसके इसके साथ लिंक होता है और इस पी का लिंक जो इसके साथ होता है, ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है P4O10 की। यहाँ पे आप बॉन्ड काउंट कर लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16, ये टोटल जो है यहाँ पे क्या इश्यू हो चुका है, यस ओके रिजॉल्व, तो यहाँ पे टोटल हमने कितने काउंट किए, 16 सिग्मा बॉन्ड मौजूद हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। द इंटेंसिव प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड ऑन, इंटेंसिव प्रॉपर्टी की यही इसकी डेफिनेशन है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ सैंपल, क्वांटिटी ऑफ एनालाइट, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है 42 का बी ऑप्शन। सेल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन, जो सेल का रिएक्शन होता है वो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, तो दिस डज नॉट डिपेंड ऑन द आउटर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या वोल्टेज, आप कह लें एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई, ये डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद द स्ट्रॉन्ग बेस देन द एंड पॉइंट, तो यहाँ पे जो एंड पॉइंट आता है, एट द एंड पॉइंट जो है वो कंडक्टेंस मिनिमम होती है, जीरो नहीं होती, मिनिमम। ये देखें जब आपके पास एसिड होता है और जब बेस होता है, जब आप एसिड के अंदर बेस डाल रहे होते हैं और टाइट्रेशन करवा रहे होते हैं, तो उस केस में देखें कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन पॉजिटिव नेगेटिव मुसलसल ये रिजेंबल कर रहे होते हैं, असेंबली कर रहे होते हैं और कन्वर्ट हो रहे हैं वाटर के अंदर, और उसके साथ साथ बन रहा है सॉल्ट, क्या बन रहा होता है, सॉल्ट और वाटर, यानी कि कनेक्शन क्रिएट हो रहा था हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन के बीच में, और ये इससे जो फ्री आयन्स होते हैं वो उसकी मिनिमम हो जाते हैं, फ्री आयन्स की वजह से कंडक्टिविटी होती है, तो फ्री आयन जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं या मिनिमम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका जो एंड पॉइंट के ऊपर जब कलर चेंज होता है तो ये सॉल्ट बन चुका होता है और इस केस में इसकी कंडक्टेंस मिनिमम होती है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। 46 है विच शोज इनकरेक्ट रिलेशनशिप अबाउट द आर्हेनियस इक्वेशन, तो ये देख लेते हैं इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। देखें जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट इंक्रीज होता है,
और रेट के साथ साथ जो अर्हीनियस इक्वेशन यहाँ पे है, एक्टिवेशन एनर्जी लोअर कर हो जाती है तब जाके रेट इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए। करेक्ट स्टेटमेंट ये है। इसने कहा यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, के इंक्रीज होता है, तो भाई ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, के इंक्रीज होगा, ई ए एक्टिवेशन डिक्रीज होगी, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। के इंक्रीज होगा तो ई ए इंक्रीज नहीं होगा बल्कि क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 47 है, द रेट इक्वेशन टेल्स अबाउट, रेट इक्वेशन किसके बारे में बताती है, तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नहीं, कंसंट्रेशन नो। ये बेसिकली रेट इक्वेशन अगर आपको दिया गया हो तो आप ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब आपको रेट लॉ गिवन होता है, रेट इक्वेशन गिवन होती है, तो आप इजीली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमिन कर सकते हैं, क्योंकि रेट इक्वेशन भी एक्सपेरिमेंटल होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी एक्सपेरिमेंटल होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व इन विच टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट्स, किस टाइप के मोनोमर यूनिट्स हो तो वहाँ पे एडिशन होती है। तो भाई एडिशन के लिए अनसेचुरेशन का होना जरूरी है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का होना जरूरी है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। 49 है, एक्रिलो नाइट्राइल इज फॉर्म थ्रू विच टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो ये हम अपने लेक्चर्स के अंदर सिंथेटिक पॉलीमर के चैप्टर के अंदर हम स्टूडेंट्स को सेशन के अंदर डिस्कस करवा चुके हैं बार बार। तो क्योंकि एक्रिलो नाइट्राइल जो होता है, क्योंकि इसके पास नाइट्राइल ग्रुप होता है, और नाइट्राइल ग्रुप जो है दिस इज द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो ये वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट्स जिस टाइप की जो पॉलीमराइजेशन है, अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप उसके साथ अटैच है तो वो क्या करता है, वो किस की तरफ जाता है, वो इनायनिक पॉलीमराइजेशन की तरफ जाता है। कौन सी, इनायनिक। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कोई अटैच है, यानी कि जिस तरह मिथाइल ग्रुप है, कोई बेंजीन रिंग अटैच, जिस तरह फिनाइल ठीक है, जब फिनाइल ग्रुप अटैच होता है, उस केस में देखें, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होता है तो उस केस में कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के चांसेस होते हैं, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन होती है, ठीक है। तो ये हमने सिंपल, और अगर सिंपली एडिशन है, कोई ग्रुप अटैच नहीं है, सिंपल अनसेचुरेशन है, तो वो जनरली फ्री रेडिकल भी हो जाती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, अगर सी एन है, इस तरह पी वी सी के एग्जाम्पल ले लें, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो क्लोरीन ग्रुप अटैच होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस केस में भी क्या है, क्या है, दिस इज द एनायनिक पॉलीमराइजेशन। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है, इन द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स आर, तो यहाँ पे आई थिंक मुझे एग्जैक्ट स्टेटमेंट कहीं से भी अच्छी नहीं मिली, आप ज़रा देख लीजिएगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। अगर तो ऐसी ही स्टेटमेंट है तो फिर तो आपका टी टू जी आता है, क्योंकि टी टू जी लोअर ऑर्बिटल होते हैं, थ्री जो है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, और उसके बाद फिर होता है डी जेड की दो, और इस तरह फिर जो होता है वो जो दो ऑर्बिटल होते हैं वो अपर लेवल पे एनर्जी होती है। अगर तो ऐसी स्टेटमेंट थी तो फिर टी टू जी है, और अगर इसके स्टेटमेंट चेंज है आई थिंक, या ऑप्शन चेंज है, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। तो ये थी जी स्टूडेंट्स आज की हमारी डिस्कशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इसका एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हो सकता है। अगर हम स्टूडेंट इसको कंपेयर करें जो 8th अगस्त 2024 को पेपर कंडक्ट हुआ, वो ईजी टाइप का था, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है स्टूडेंट से, उसमें केमिस्ट्री पोर्शन भी सिंपल था, ज़्यादा क्वेश्चन सिंपल थे। इस पेपर के अंदर एफपीएससी ने बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी डाली है, दो तीन क्वेश्चन की तो स्टेटमेंट रॉन्ग हैं, इसके अलावा दो तीन ऑप्शन उसने ऐसे मिक्स किए हैं, पता ही नहीं चलता, कन्फर्म ही नहीं होता कि क्या होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इसका ग्रेटर है, तो 65 प्लस वाले जो हैं अपने आप को यहाँ पे स्कोर जिनके हैं ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग, वो अपने आप को सिक्योर समझें, इंशाल्लाह दे विल बी शॉर्ट लिस्टेड, होप सो। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सेशन फ्रॉम द 25th अगस्त। अगर जो स्टूडेंट्स हमारे सेशन को ऑनलाइन को ज्वाइन करना चाहें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे, हर चीज़ एट एग्जैक्ट जो है वो आपको कवर करवाई जाती है डिटेल में, कम्प्लीटली फीडबैक दिया जाता है आपको, वन शॉट वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वन पेजर नोट्स, ऑनलाइन गूगल टेस्ट, उनकी डिस्कशन, और इसके अलावा आपका कोई भी क्वेरी हो आप किसी भी वक्त मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं क्विकली रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो ये जो नंबर है 03226151653, ये आप नोट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप, आपकी कोई क्वेरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई गाइडेंस हो, तो आप कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, फॉर रजिस्ट्रेशन भी ये नंबर गिवन है, तो यू कैन ज्वाइन अस फ्रॉम 25th अगस्त। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। एंड दिस सेकंड थिंग,
कि आज यहाँ पे कंडक्ट हुआ TGT का, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का टेस्ट कंडक्ट हुआ। तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में हैं तो मुझे आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या नीचे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है वो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ 8 अगस्त को जो फीमेल लेक्चर केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ और मेल का टेस्ट हुआ, वो अगर आप PDF उसकी डाउनलोड करना चाहते हैं या उसके साथ साथ अगर आप उसको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन को वॉच करना चाहते हैं तो इसी डिस्क्रिप्शन वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी गिवन है, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। इसके साथ साथ कंप्लीट प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है यूट्यूब चैनल के ऊपर, वहाँ जाएँ FPSC पास्ट पेपर्स के नाम से, तो वो जाएँ और कंप्लीटली ऑल टाइप्स ऑफ पास्ट पेपर्स के 7 से 8 पास्ट पेपर मैंने वहाँ पर डिस्कस करवाए हुए हैं, उसको वॉच करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।